नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सिमरन संधु, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भारत देश में तेलंगाना के बाद अब हरियाणा के छोटे से गांव भनकपुर में सुबह शाम ग्रामीणों को राष्ट्रगान सुनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 4 जनवरी को जिला उपायुक्त अतुल कुमार द्वारा की जाएगी। गांव की पढ़ी लिखी पंचायत ने ग्रामीणों के सहमति से इस अनोखे कार्य को शुरू करने का विचार बनाया है। बल्लभगढ़ से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित करीब 5000 की आबादी वाला भनकपुर गांव बड़कल तहसील में आता है। असल में इस गांव में पंचायत ने गांव में सुबह और शाम दोनों समय राष्ट्रगान गाने का निर्णय लिया है। इसके लिए गांव के साउंड सिस्टम लगा दिए गए हैं ताकि राष्ट्रगान पूरे गांव में सुनाई दे सके। जी हां, अनोखी पहल फरीदाबाद के गांव भनकपुर से सामने आई है, जहां गांव की पढ़ी लिखी पंचायत ने अनोखा काम करने की शुरुआत की है। अब इस गांव की पंचायत ने 20 लाउडस्पीकर लगवाए हैं, जिनके द्वारा रोजाना सुबह शाम ग्रामीणों को राष्ट्रगान सुनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी को जिला उपायुक्त अतुल कुमार द्वारा की जाएगी, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। गांव के खंभों पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं। इस बारे में गांव के युवा सरपंच सचिन मंडोतिया से बात की गई तो उसने बताया कि एक दिन वो सोशल साइट पर कुछ सर्च कर रहा था, तभी उसने देखा कि तेलंगाना में एक ऐसा गांव है जहां सुबह शाम राष्ट्रगान सुनाया जाता है। फिर क्या, युवा सरपंच की देशभक्ति जाग उठी और ये अनोखी पहल हरियाणा में सबसे पहले गाँव भनकपुर में शुरू करने की ठान ली, जिसकी अब शुरुआत की जा रही है, जिससे गांव के लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। वहीं गांव के लोगों की माने तो गांव में युवा और पढ़े लिखे सरपंच होने के कारण ऐसा हो पा रहा है, जिससे गांव वालों में भी काफी खुशी है कि अब कभी स्कूल में सुने जाने वाले राष्ट्रगान अब रोजाना सुबह शाम सुनाई देगा। साथ साथ गांव में सीसीटीवी कैमरे पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम के तहत लगाए हैं, जिसका फायदा गांव को पहुंचेगा। राष्ट्रगान के अलावा गांव में किसी भी जरूरी सूचना को भी एक साथ में ही दे दिया जा सकेगा। सबसे पहले तो मैं सभी अपने ग्रामवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो सबके लिए मंगल में हो। और ये जो हमारे जो पंचायत ने राष्ट्रगान जो चलाया, ये बहुत ही अच्छी चीज है और इससे मध्य देश प्रेम की भावना जागृत होती है। और जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरा लगाए, इससे भी ये सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। 4 तारीख को सुबह 10 बजे डी साहब का आगमन होगा गांव में, उसी समय इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तेलंगाना के एक राज्य की मैंने एक ट्विटर पे वीडियो देखी थी, उस वीडियो को देखने के बाद ये सोचा कि ऐसा हमारी ग्राम पंचायत भी कर सकती है और इससे देश प्रेम की भावना बढ़ेगी, देशभक्ति की भावना जागृत होगी, ऐसा प्रयास करना।